जो मैं हमेशा कहता हूँ, हरियाणा के और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कोने में बसा हुआ है। हमारी भाषा, हमारा चलन, हमारे ज्यादातर रिश्तेदारियां वो असली हरियाणा में ना होकर के इसीलिए यूपी, दिल्ली और राजस्थान में होगी। तो अब देश का सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है और मैं पिछले दो साल से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चाहे मैं कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन जहां कहीं भी जाता था विपक्षी दलों के लोगों ने भी हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि भाई चाहे हम किसी दल में हैं, लेकिन इलाके की आज के मौजूदा हालात को देखते हुए हम इस चुनाव में आपकी वोट देंगे, आपका समर्थन करेंगे। और मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, लेकिन जितना उत्साह, जितना 36 बिरादरी के लोगों में मेरे लिए जो चुनाव का माहौल था, इतना बढ़िया माहौल बना मैंने कभी नहीं देखा। सभी बिरादरी, सभी वर्ग, सभी दलों के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता जा रहा है। लेकिन अब दुर्भाग्यवश मुझे पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं इस लोकसभा के चुनाव को लड़ सकूं। तो आज सवेरे भी जो हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक थी, वहां भी जब लोग बहुत संख्या में इकट्ठे हुए, हालांकि उनको हमने बुलाया नहीं था, वो प्यार में और चल करके और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे, तो सवेरे भी यही फैसला हुआ था कि हम लोगों की सलाह से, क्योंकि ये हमारे इलाके के भविष्य का मुद्दा है और पिछले 2 साल से लोगों ने इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी लोगों से, इलाके की 36 बिरादरी के लोगों को हालात बता करके और लोगों का हुक्म लूं कि भाई, और उनका धन्यवाद भी करूं कि आपने अलग पार्टी में होते हुए भी जो मेरी हौसला अफजाई की, मेरा समर्थन किया, मुझे चुनाव में जिताने का वायदा किया, मैं आपका एहसानमंद हूं। और अब हालात ये है कि मुझे टिकट मिला नहीं है, तो फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरियों की पंचायत हमने परसों 9 बजे झारसैतली गांव में बुलाई है। वहां हम पूरा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो माहौल है लोगों के सामने रखेंगे और लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। तो क्योंकि अगर मैं बिना लोगों के और आज इसमें बिना उनसे पूछे लग जाता हूं कहीं भी, तो लोग कहेंगे कि भाई तूने हमें खराब किया, हमारी पार्टियों में रहते हुए भी जो हमने तेरा वादा किया, सरेआम तेरी सिफारिश की, तो तू हमें छोड़ के भाग गया। तो इसलिए एक मर्यादा की पुकार है, दरकार है कि हम चाहे किसी भी दल में हैं, लेकिन अपने इलाके के लोगों का सम्मान करें, 36 बिरादरी के लोगों की राय लें और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर इस इलाके की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कल को कोई ये उल्हाना नहीं रहेगा कि भाई आपने अपनी मनमानी की, हमसे नहीं पूछा। तो ये समय की जरूरत है, क्योंकि हमारा हमेशा से उपहास हुआ, हमें पिछले 10 साल से इस इलाके के लोगों को निराशा हाथ लगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार और जो जिस तरीके से उत्पीड़न पिछले 10 साल में इस इलाके का हुआ वो लोगों ने देखा है, और आने वाले दिनों में भी इस इलाके का उत्पीड़न ना हो। तो इसलिए राजनीति में हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन लोग और इलाके पार्टियों से बड़े होते हैं। लोगों की राय और उनकी सलाह और उनका आशीर्वाद लेना किसी भी दल में रहकर के काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हरियाणा में नहीं माने जाते हैं, हरियाणा में हमारी कोई ज्यादा कदर नहीं हो रही है। इसलिए लोगों की ताकत को आगे करके, जिससे कि कम से कम इस हरियाणा में हमें रहना है,
और अगर इसी तरीके से उपहास होता रहा तो आने वाले दिनों में भी लोगों का, इलाके का बहुत बड़ा अहित होगा, नुकसान।